वैज्ञानिक फैकल्टी मेंबर गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं इन्विटेशन भरने की ओर से आप सभी का संस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्योंकि थोड़े से लेट भी हो गए हैं, समय प्राप्ति हो गया है, जैसा कि मैंने इंडिकेटर की प्रेस किया है सर, तो डॉक्टर जिशु सर थोड़ा सा बीच में जो हमारी HFR एक्टिविटीज है उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले कि जिशु सर प्रेजेंटेशन भी मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूँगा कि इस अवसर पर अपने महासचिव से कुछ सकते हैं। डॉक्टर धन्यवाद डॉक्टर गोविंदन। सबसे पहले तो मैं भगवान की जाए नवदर्शक प्रशिक्षणार्थियों का उनके फैकल्टी मेंबर्स का सहज रूप से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान को अपनी जो आपकी लंबी विजिट है इसमें स्थान दिया और आप हमारे भी उपस्थित हैं। अभी 3-4 दिन पहले आप ही के बैच की लेडीज सारी लड़कियाँ महिलाएं थी तो वो भी हमारे पास आई थी, तो वो सुबह जल्दी आए, आप थोड़ा लेट आए, तो जो ये चला रहता है। पूरा संस्थान के विषय में डॉक्टर भी जिसको बताएंगे डिटेल से। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप प्रशिक्षण के लिए आए हैं और भ्रमण के लिए आए हैं। आप लोग उत्तराखंड वन विभाग में जब प्रशिक्षण पूरा हो जाए उसके बाद आप सर्विस करने जाएंगे, तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, चाहे मैनेजमेंट की दृष्टि से देखें वनों के रखरखाव, चाहे आप वनों की रक्षा करें या आप एक रिसर्च एंगल भी अगर आप दें, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट शोध संस्थान है, तो उसके लिए भी आप एक सबसे पहले आप ही ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज जंगल में हो रही हो और उसका अपने बड़े अधिकारियों के थ्रू हमारे तक बात आती है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान का जो मुख्य कार्यक्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी है, तो उत्तराखंड और हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो लगभग एक समान ही है। वहां भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट एरियाज है, फिर आपके मिड हिल्स हैं और लोअर हिल या फुट हिल्स हैं और थोड़े बहुत पंजाब और हरियाणा से लगते हमारे क्षेत्र है, आपके उत्तर प्रदेश से लगता क्षेत्र है जैसे तराई है, तो वहां पे जाकर वनस्पति या फॉरेस्ट टाइप लगभग मिलते जुलते हैं। तो ये आपका जो भ्रमण होगा तो इसमें आप जरूर ऐसी चीजें जरूर सीखें जिसको आप फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सके। तो मैं तो यही चाहूंगा कि यहाँ हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आप आए तो जो भी यहाँ 1 घंटा या 1.5 घंटा चर्चा होगी तो उसमें आप कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख के और उसको फिर उसका चिंतन और मनन भी करें। कई बार हम टूर में जब जाते हैं तो देखते चीजों फिर जल्दी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, आप जरूर उसको नोट करें, उसका चिंतन करें और कैसे आप में जब आप एक्चुअल फील्ड में जाएंगे जब आपका कहीं पोस्टिंग होगी तो उन चीजों को कैसे आप अपनाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और